हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए देखें, जैसे कि आप लोग क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट हो गया था, तो हम आज कुछ जानना चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप थोड़ा सा देखिएगा, पढ़ाने का तरीका अलग, हर लोग का अलग अलग होता है, और आपको इस प्रकार से बताया जाएगा बिल्कुल ईजी से लेकर के थोड़ा हार्ड तक। तो आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, आपको अच्छी समझ अच्छी तरीके समझ में आएगा। मेरा टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो पे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ऐसा व्यंजक जिसका अधिकतम घात क्या होता है, दो होता है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। ठीक, इसमें x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ से जैसे अगर इसके रूट्स निकालना है, मूल निकालना है, तो आप ऐसे पढ़े होंगे, सीधा चार x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a। यहाँ से इसके हम मूल निकाल सकते हैं, इसके रूट्स निकाल सकते हैं, कैसे इसको रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें बताया जाता है इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, इसके जो वैल्यू होंगे वह इक्वल होंगे और पॉजिटिव, इक्वल और पॉजिटिव होंगे, मतलब मूल इसके समान और धनात्मक होते हैं। ठीक है, बट अब इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो डिफरेंस होता है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमारा क्या होता है, रियल होता है एंड पॉजिटिव, इसका मतलब यह वास्तविक होता है और धनात्मक। बट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज लेस देन जीरो, जो इसकी इमेजिनरी होता है या काल्पनिक होता है। ठीक है, आप इसमें जैसे अगर इसके सपोज इसके रूट्स जो हैं अल्फा एंड बीटा हो, तो एडिशन ऑफ रूट्स, जो एडिशन होता है, एडिशन ऑफ रूट्स जिसके होंगे, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ओके, एंड अल्फा इन बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इसके मल्टीपल होते हैं और एक एडिशन होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं, पहले एनसीईआरटी को ही हम लोग लेकर के चलते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी के सिलेबस को लेकर चलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कुछ एक्सरसाइज को लेकर के सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको समझते रहिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो चलिए एक्सरसाइज हम लोग 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1। ठीक, ध्यान दीजिए, जैसे फर्स्ट लेसन है, चेक दैट सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। ठीक है, चेक करना है क्या वह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मैंने बोला कि उसको हम सॉल्व करेंगे, अगर पावर अधिकतम दो आता है तो द्विघात समीकरण होगा, यदि नहीं आता तो नहीं होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से, x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू ब्रैकेट में x माइनस थ्री, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स, होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स है, तो यहां से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सेवन। तो देखिए इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, यदि मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है तो द्विघात समीकरण है, दैट इज क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है। कुछ ऐसे मिलेंगे जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस नहीं होंगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन है ऐसे, इसका थर्ड हम लोग देखते हैं, इसका फर्स्ट था, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें मिलेगा एक्स माइनस टू सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब सपोज इसके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स प्लस माइनस टू, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री। देखिए एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं जिसका पावर मैक्सिमम टू होगा द्विघात समीकरण होगा, जिसका नहीं होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर टू में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया है, फर्स्ट एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक, तो देख लीजिए, मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है इसका x है, चौड़ाई क्या है x है, अब लंबाई क्या होगा दोगुने से एक अधिक है, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर आपने पढ़ा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, ये हमारा 528, लंबाई हम हमारा क्या है 2x प्लस 1 एंड x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528, या 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। चल इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसको हम सॉल्व करके एक्स वाई के अलग अलग वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 308 है, पूर्णांकों ज्ञात करना है। ठीक, तो क्रमागत देखिए क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है दैट इज एक्स, तो सेकेंड जो क्रमागत नंबर होगा क्या होगा एक्स प्लस वन, इनका गुणनफल दैट मीन्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन इक्वल टू 306, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमें यह इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें के एक दो क्वेश्चन जो आगे के हैं उसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.6.4.2 में देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको समझते हुए बिल्कुल इजीली चलते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण को सॉल्व करना, ठीक है, फैक्टराइज मेथड द्वारा इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो बिल्कुल आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम फर्स्ट चूज किए हुए हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसका फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और माइनस करने पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो 5 और 2 हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, दो ब्रैकेट को हम एक साथ कर लेते हैं ऐसे, इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा एक्स माइनस 5 प्लस इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखेंगे एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 5 मिलेगा, और एक बार हमें एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस 2 मिलेगा। ठीक है, तो फैक्टराइज मेथड द्वारा हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन भी उसी तरीके से होगा। ठीक, चलिए हम लोग इसका थर्ड देख लेते हैं। इसका थर्ड हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा उसका स्क्रीन लाइट आ रहा है, अंडर 2x स्क्वायर प्लस 7x, अंडर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर 2, ठीक है, इक्वल टू 0, इसको हम लोग सॉल्व करना है। देखिए क्या होता है ना, जब भी x स्क्वायर के पहले कोई कांस्टेंट अगर हो, x स्क्वायर के पहले कोई कांस्टेंट हो तो क्या करते हैं इसके से मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 2 आ जाएगा, 2 5 जा 10, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 2 नंबर को ऐसे चूज करना है, मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और एड करने पर दोनों को 7 आए। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे इसको, अंडर रूट 2x स्क्वायर 5 और 2 में ब्रेक कर लीजिए इसको, 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, अब दो एक साथ हम कर लेते हैं, इसमें से अंडर रूट 2x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से x बचेगा, यहाँ से अंडर रूट 2 बचेगा, प्लस 5 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट सेम है, x प्लस अंडर रूट 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक बार लिखेंगे जब फर्स्ट व्हेन x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू मिलेगा माइनस अंडर रूट 2, और एक बार इसको जब 0 करेंगे अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से
समझ सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। तो मान लीजिए जो फर्स्ट नंबर है x मान लीजिए, सेकंड आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऐसे मान सकते हैं, देखिए दोनों का योगफल 27 है ना, दैट मींस y ऐसे मान लीजिए, फर्स्ट वो हमारा जो है x है और जो सेकंड है हमारा y है। x plus y is equal to 27 और x into y is equal to 182। यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y हम फाइंड करेंगे तो 27 माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर रख देते हैं x ब्रैकेट में 27 माइनस x इज इक्वल टू 182, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182। उधर उठा लाएंगे तो इसको जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक। ऐड करने में देखिए क्या आना चाहिए, 27 और मल्टीप्लाई करने पर 182। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे बल्कि अलग से फैक्टराइजेशन करके उसको समझ सकते हैं। 2 9 1 इसको 7 से काट देंगे और 13 से कट जाएगा। तो देखिए 14 और 13 मैं इसको हम ब्रेक कर लेंगे आसानी से, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो दो एक साथ करेंगे, इसमें से x कॉमन जाएगा तो x माइनस 13 हो जाएगा, माइनस इसमें से 14 कॉमन करेंगे तो x माइनस 13 हो जाएगा। x माइनस 13 कॉमन हो जाएगा x माइनस 14, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगा, एक 13 हो जाएगा और एक 14 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कुछ इस प्रकार से, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम, ठीक है। कोई समकोण त्रिभुज हम लोग ऐसे बनाते हैं जो ऊंचाई है आधार से x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 और हमारा कर्ण दिया गया 13, तो इसमें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा सकते हैं, ऐसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, दैट मीन्स 13 के स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 7 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169, ठीक है। तो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस ये माइनस हो जाएगा तो 120 इक्वल टू 0। 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको देखिए 12 और 5 में माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा और एक माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको आया है, इसमें पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। तो देखिए पूर्ण वर्ग बना करके हल करने का हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे और वह बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको थोड़ा समझ में आएगा। आप वीडियो बने रहिए, आसानी से आपको समझ में आएगा।